अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टिचिंग विद उम्मे हबीबा। आज मैं आपको बहुत स्टाइलिश और ख़ूबसूरत ट्राउज़र का डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी, तो उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस डिज़ाइन के लिए मैंने ट्राउज़र को स्टिच कर लिया है। इसका जस्ट मैंने लोअर पार्ट स्टिच नहीं किया, इसका पाइचा मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है। तो इसको अब हम डिज़ाइन करेंगे। इसके लिए ये मैंने बुकरम ली है, ये 15 इंच इसकी लंबाई है। इसको हम इस तरह से डबल कर लेंगे। इस तरह से आप अपने ट्राउज़र के साथ इसको देखें। मैंने 7.5 इंच लिया है, मेरा पैंचा 7.5 इंच है। तो आप अपने ट्राउज़र्स के साथ इसकी चौड़ाई की पैमाइश कर सकते हैं। तो मैंने अपने ट्राउज़र के मुताबिक इसको 7.5 इंच इसकी विड्थ ली है। इस तरह से ये एक पैंचे का बुकरम मैंने लिया है, दूसरे पैंचे के लिए अलग से इसी तरह से बुकरम का एक पीस और लेना होगा। तो अब हम देखते हैं हमें इसके लिए और कौन सी चीज़ें चाहिए। तो इसके लिए ये मैंने बुकरम की एक पट्टी ली है जिसको मैंने कट कर लिया है। इसकी लेंथ मैंने 20 इंच ली है और इसकी विड्थ ली है मैंने 2 इंच। तो इस तरह से आपको बुकरम की भी दो पट्टियाँ कट करनी होंगी। ये मैंने एक पैंचे के लिए एक पट्टी कट की है, एक लीड चाहिए होगी। और ये मैंने अपने ट्राउज़र से बचा हुआ एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है जिसको हम डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हमें कमीज़ के मैचिंग कलर के साथ कंट्रास्ट में मगजी लगाने के लिए फैब्रिक चाहिए होगा। तो तकरीबन ये आधा मीटर कपड़ा होगा जिसे हम मगजी के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से इस बुकरम को इस साइड से डबल करेंगे जिस साइड से ट्राउज़र को डबल किया है। दोनों की साइड एक तरह खुली हुई साइड दूसरी तरफ होनी चाहिए और बंद साइड ट्राउज़र और बुकरम की एक तरह होनी चाहिए। तो यहाँ से हम 5 इंच पर निशान लेते हैं और इसी तरह से ऊपर से लंबाई के रुख में भी हम 5 इंच पर निशान लेंगे। इस तरह आप पेंसिल की मदद से इसकी शेप ड्रा कर लें। इसको हम यहाँ से गोल शेप देंगे, इस तरह दोनों तरफ से मिलाते हुए इसको शेप दे लेंगे। और अब आप इसको कैंची से काट के इसकी फाइनल शेप देंगे। जिस तरह के मैंने ये निशानात लगाए हैं, आप इस तरह से निशानात की मदद से इसको कट करेंगे तो इसकी बहुत प्यारी शेप आएगी। अब इसको ओपन करके इसको सेंटर से हम ऊपर से एक इंच छोड़ते हुए कट लगा लेंगे। आपकी आसानी के लिए मैं इसको दोबारा पैमाइश करती हूँ। तो इस तरह से एक इंच छोड़ते हुए हम इसको कट लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से आप इंच स्टेप से यहाँ 1-1 इंच पर निशानात लगाते जाएं। इस तरह से बहुत आसानी रहती है, शेप ख़राब नहीं होती। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। निशानात लगाने के बाद इसको हम दोनों सिरों को बराबर करते हुए दोनों उंगलियों में इस तरह से दबाते हुए कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमारी कोशिश होती है कि आपको भरपूर तरीके से छोटे छोटे पॉइंट को बताया जाए। अगर आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आती तो आप कमेंट में आके पूछ सकते हैं। इस तरह से ये हमारी शेप बनके तैयार हो गई है। और इसी तरह से हम जो उस पैंचे में से हमारा एक्स्ट्रा बुकरम निकला है तो दूसरे पैंचे के लिए भी इसी तरह हम ऊपर नीचे रखते हुए शेप दे लेंगे और इसको भी इसी तरह से रेडी कर लेंगे। आप अपने ट्राउज़र की उल्टी साइड पे इसको आयरन कर लें और इसको बुकरम के साथ साथ कपड़े को कट कर लें। इस तरह से ये हमने दोनों पैंचों को कट कर लिया है। अब हम इसको तैयार करने का तरीका आपको बताएंगे। ये मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है जिसकी मैं पाइपिंग करूँगी।
इसको हम उरेबदार रखेंगे, सीधा नहीं काटेंगे, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की तरफ कट करते हुए जाएंगे। तो ये 1 इंच चौड़ी हम उरेबदार तकरीबन 5 to 6 इसकी पीसेज उतार लेंगे। इस तरह से आप इसकी उरेबदार पीसेज उतार लें। और अब हम आपको बताएंगे कि ये डिज़ाइनिंग में किस तरह से काम आएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जो हमने 20 इंच की बुकरम के 2 पीसेज उतारे हैं, इनको भी हम आयरन कर लेंगे। इनको हम उस कपड़े पर आयरन करेंगे जो हमारे ट्राउज़र के साथ सेम कपड़ा है। इनको भी इसी तरह बुकरम के साथ साथ तमाम फैब्रिक को कट कर लेंगे। और ये हमने एक लिड ली है, लिड की मदद से हम इसको सर्कल देंगे। टोटल सर्कल नहीं देंगे, हाफ हाफ सर्कल बनाएंगे। इस तरह से ये जो दोनों बुकरम की पट्टियां हैं इनके ऊपर हम इस तरह से सर्कल ड्रॉ कर लेंगे। फ्रेंड, ये बहुत खूबसूरत डिज़ाइन बनता है और ये बहुत इजी तरीका है इसका, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से हम हर सर्कल को अलग अलग काट लेंगे। ये मैंने तमाम सर्कल दोनों पट्टियों के काट लिए हैं, तो ये कुछ इस तरह से मेरे पास कट के आ गए हैं। अब ये जो मैंने उरेब पट्टी काटी थी ब्लू कलर में, तो इसको हम नीचे रखेंगे, उरेब कपड़े को नीचे रखेंगे, और जो हमने पीसेस कट किए हैं इसको हम ऊपर रखेंगे। फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि हमने बिल्कुल इसके किनारे पर सिलाई लेनी है, जिस तरह के पेंसिल की मदद से मैं आपको बता रही हूँ। तो उरेब कपड़े को नीचे रखते हुए इसके किनारे पर हम 3 साइड पे सिलाई ले लेंगे। यहाँ से बहुत स्लो जाना है आपको इस डिज़ाइन में, इस पॉइंट पर आके थोड़ा स्लो काम करना पड़ता है। लेकिन अगर आप बहुत शौक से और बहुत प्यार से काम करेंगे तो आपका ट्राउज़र बहुत खूबसूरत बनेगा। इस तरह से नीचे वाले कपड़े को हम उंगली की मदद से लेफ़्ट साइड पे करते जाएंगे। इस तरह से नीचे वाले कपड़े को एक उंगली की मदद से दूसरी साइड पे करेंगे, और ऊपर से जो बुकरम वाला कपड़ा है उसके बिल्कुल किनारे पर बारीक बारीक सिलाई देंगे। इस तरह नीचे वाले कपड़े को घुमाकर फिर आगे ले जाएंगे, और इस तरह से हम इसको चारों तरफ से पाइपिंग कर लेंगे। इसके बाद आप कैंची से इसके एक्स्ट्रा धागे और अगर एक्स्ट्रा कपड़ा निकला है तो उसको कट कर लें। उसका ये फ़ायदा होता है कि जब आप इसको उल्टा करेंगे, इसकी पाइपिंग रेडी करेंगे, तो बहुत नीट और क्लीन पाइपिंग होगी। इसलिए नीचे वाले कपड़े को उंगली की मदद से पीछे करते हुए एहतियात के साथ यहाँ से हम कट कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये बहुत प्यारी बारीक सी पाइपिंग बनी है। अब इसके ऊपर हम पाइपिंग पर सिलाई नहीं लेंगे, जो हमारा ट्राउज़र का फैब्रिक है उसके ऊपर पाइपिंग के साथ साथ हम किनारे के साथ साथ सिलाई लेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स, जो हमने तमाम इसके सर्कल काटे हैं उन तमाम सर्कल को इस तरह से हमें पाइपिंग करना होगी। तो ये हमने इस पर एक सर्कल पे पाइपिंग करके आपको दिखाई है, आप भी इसी तरह से ये तमाम सर्कल रेडी कर लें। उसके बाद फ्रेंड्स, इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है। तो ये इसके लिए हमने 3 इंचेस लंबी और 3 इंचेस चौड़ी ये हमने चौकोर पीस काटा है। इसको इस तरह से हम कॉर्नर वाइज रखेंगे और फिर दोबारा फिर कॉर्नर वाइज टर्न देंगे। तो इसकी इस तरह की ये हम लूप्स तैयार कर लेंगे। ये मैंने आपको आसानी के लिए मेंशन किया है। इस तरह की हम जो लूप्स तैयार करेंगे 15 होंगी, और जो हम स्क्वायर तैयार करेंगे वो 24 होंगे।
फ्रेंड्स, अब जो हमने शलवार को बुकरम लगाया था तो उसको भी हम इसी तरह से बारीक किनारे पर सिलाई लेते हुए मगजी लगा लेंगे। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि जो रेबदार कपड़ा होता है उसको हमेशा नीचे रखा जाता है। कॉर्नर पे सिलाई लगाते हुए हम सुई को अंदर दबाकर कपड़े को घुमाएंगे। इस तरह से हम शलवार के दोनों पैंचों को रेबदार कपड़ा नीचे रखते हुए सिलाई लगा लेंगे। इसके एक्स्ट्रा धागे काटते हुए हम इसको मगजी को फाइनल लुक देते हैं। इस तरह से ये बहुत बारीक और नीट मगजी बनती है। फ्रेंड्स, इसका जो कॉर्नर है उसको हम कट लगाएंगे। कट लगाते हुए ख्याल करेंगे कि नीचे से हमने जो सिलाई लगाई थी वो नहीं कटनी चाहिए। तो जब हम यहाँ कट लगाते हैं तो इसका कॉर्नर बहुत नीट बनता है। इस तरह से इसके कॉर्नर को बनाते हुए हम इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। अगर आपको किसी पॉइंट पर समझ नहीं आती तो आप कमेंट में आकर पूछ सकते हैं। ये मैंने दोनों पैंचे रेडी कर लिए हैं। अब हम इस पर डिज़ाइन की फाइनल लुक देंगे। तो इसके लिए हमने ये जो सर्कल काटे थे इनको हम 1 इंच बाहर रखते हुए इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ख्याल रखें कि सिलाई जो हमने पहले पाइपिंग करने के लिए लगाई थी उसके ऊपर आनी चाहिए। इस तरह से जब हम पिछले सर्कल के हाफ पर आएंगे तो हम नया सर्कल अटैच करेंगे और इसी तरह से तमाम सर्कल हम इसके साथ अटैच करते जाएंगे। इस तरह से ये मैंने तमाम सर्कल इसमें लगा लिए हैं। अब जो हमने लूप्स बनाई थी ट्रायंगल शेप की उनको हम इधर रख के पहले सेट कर लेंगे और सेकंड पार्ट पर इस तरह ऊपर नीचे रखते हुए तमाम लूप्स अटैच कर लेंगे। लूप्स का भी यही तरीका होगा। जब हम लूप्स के सेंटर में जाएंगे तो वहाँ से हम नई लूप अटैच कर लेंगे। इस तरह से ऊपर नीचे रखते हुए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये डिज़ाइन पसंद आए तो हमें कमेंट्स में बताइएगा। यहाँ से सिलाई लेते हुए हम ब्लू पार्ट पर सिलाई नहीं लेंगे। ब्लू पार्ट के पास आने के बाद हम सुई को ऊपर उठा लेंगे। इसी तरह हम ब्लू पार्ट्स पर सिलाई नहीं लेंगे। एक्स्ट्रा धागा जो ब्लू पार्ट पर आया है उसको कट कर लेंगे और इस तरह नीट तरीके से हम अपना पैंचा तैयार कर लेते हैं। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत खूबसूरत और प्यारा डिज़ाइन बना है। अब हम इसको हाफ इंच के फासले पर डबल सिलाई लगा लेंगे ताकि इसके नीचे जो फैब्रिक है उसके तमाम सिरों को हम सिलाई में दबा सकें। तो इस तरह से हम अपने पैंचे को फाइनल लुक देंगे। आप ये डिज़ाइन ज़रूर बनाइएगा और बना के हमें कमेंट्स में बताइएगा। इस तरह से ये बहुत नाइस और ख़ूबसूरत डिज़ाइन है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।